रायबरेली में 30 सितंबर से पूरे प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा शौर्य जागरण यात्रा निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य हिंदुओं को अपने सनातन धर्म के प्रति जागरूक करना और हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करना है। रायबरेली जिले में भी शौर्य जागरण यात्रा हर गांव, हर कस्बा और शहर में निकाली जा रही है, जिसका समापन 10 तारीख को काशी में होगा, जिसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी एकत्रित होंगे और सनातन धर्म और हिंदुओं को जगाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें हमारे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। शौर्य जागरण यात्रा ये 30 सितंबर से पूरे अवध प्रांत में जो है जा रही है बराबर, और ये बजरंग दल के तत्वाधान में ये निकाली गई है। उसी क्रम में लाल नाव लालगंज होते हुए रायबरेली में आज भी शाम के समय ये शौर्य यात्रा यहाँ पे पहुँची है, और ये हिंदू समस्त हिंदू जनमानस को जागरण करने के लिए शौर्य यात्रा यहाँ तक पहुँची है, और इसके बाद 10 तारीख को काशी में पहुँचकर इसका समापन किया जाएगा। इसमें हमारे सभी प्रखंडों के सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और भारी संख्या में हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे, और समस्त हिंदू जनमानस को जगाने का सभी लोगों ने निर्णय लिया है, और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को कुछ बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। राजेश, प्रांत संगठन मंत्री, विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत। आज बजरंग दल के द्वारा जो विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई है, शौर्य जागरण यात्रा जो संपूर्ण देश में चल रही है, भारतवर्ष के 44 प्रांतों में इसी प्रकार की शौर्य जागरण यात्रा निकली है। लगभग 4000 उप यात्राएँ पूरे देश के अंदर चल रही हैं, कुछ समाप्त हो गई हैं, कुछ आगे चलने वाली हैं, और कुछ 10 तारीख को समाप्त होंगी। हम अवध प्रांत के निवासी हैं। अवध प्रांत की शौर्य यात्रा 30 सितंबर को अयोध्या की पावन भूमि से प्रारंभ हुई, सारे जिलों में घूमते हुए 7 अक्टूबर को आज रायबरेली में आई है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।